सरस्वती हार आरोपति रे, सरस्वती हार आरोपति रे, सरस्वती हार आरोपति रे, माता पुर से छपक बान मारवाला, ए माता वामन बने विष्णु वामन बने आवियारे, हे हो मिलवै सर्वाधार।
ज्ञान दधि ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हे सकल सुपो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अने परम आनंदमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुरतः विराजमान मुख्य यजमान सहित समस्त सुधीजन अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत चरणानुरागिनी भक्तिमती माता एवं स्नेही बहनों आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लीजिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव माधव गोपाल राधे माधव पाल राधे माधव गोपाल 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 राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव ताली सेवा करते हुए Tonight
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव Yeah.
माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे भगवान की अहैतु की कृपा से हम सबको श्रीमद् भागवत का लाभ मिल रहा है। आज चतुर्थ दिवस भगवान के प्राकट्य का कथा में भगवान पधारेंगे। सुखदेव स्वामी एक बात बड़ी खास तौर पर कहना चाहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित भगवान का जो आगमन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। भगवान के जन्म का उद्देश्य वैसे तो सब जानते हैं कि तीन कारण भगवान के आने का होता है। मालूम है तीन कारणों से भगवान का अवतार होता है, नहीं मालूम? हाँ सही सही। तीन कारण, पहला है परित्राणाय साधूना, दूसरा विनाशाय च दुष्कृता, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितना सुंदर हमारा, कभी कभी मैं सोचता हूं हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बोलो, हर घर के दीवार पर ये श्लोक होता है प्रायः। लोग कैलेंडर लगाते हैं और कैलेंडर में आवाज ठीक करो, फिल्टर नहीं है, बढ़िया आवाज रखो ताकि गला भी मजबूत रहे। गला खराब कर दोगे तो कैसे चलेगा। हर घर में लोग कैलेंडर में लगाते हैं और कैलेंडर में चालू कथा में कभी पीछे जा कर के भी सुनना, स्पष्टता होनी चाहिए कान में। अपने कान में कभी हेडफोन लगा कर भी सुना करो। ये श्लोक लिखा होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है कि नहीं? कोई पूछे भगवान का अवतार क्यों होता है, आपके भगवान का अवतार क्यों होता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भा। कोई पूछे कब क्या रे अवतार था ये भगवान नो, सुज बाब, हाँ जरे धर्म ने ग्लानी था, जरा अधर्म ने अधर्म बढ़ी जाए, उत्थान जाए, अधर्म बढ़ जाए। यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है और धर्म घट जाता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कोई पूछे कि आपके सनातन धर्म में भगवान तो बहुत हैं, हमारे यहाँ एक है, आपके यहाँ तो अनेक है। बोलना भाई अनेक है
यही हमारी विशेषता है कि हमारे भगवान एक होते हुए भी सबके ईश्वर एक है। सबका ईश्वर एक है कि नहीं? अनेकता में एकता का परिचय तो हम ही देते हैं। विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न रंग विरंग, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति, लेकिन फिर भी सबका ईश्वर एक मानने वाले हम लोग हैं। भगवान के अवतार अनेक हो सकते हैं। कोई पूछे भगवान के अवतार का कारण, तो आप जान ही गए। धर्म पहले क्या करेंगे? परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों। साधु मतलब, साधु मतलब केवल ये भगवा कपड़े वाले को मत समझ लेना, तब तो आप भ्रम में पड़ जाओगे। साधु एटले जो सज्जन। हमारे संस्कृत में साधु का मतलब होता है सही। कोई सही काम किया ना तो कहते हैं साधु साधु साधु, मतलब बहुत अच्छे। तो जो साधु पुरुष होए, वो पुरुष मतलब स्त्री भी हो सकती है, किसी भी वेशभूषा में हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो। हमारे शास्त्र में कहीं भी महान बनने के लिए कहीं जाति पाति का कोई उल्लेख ही नहीं किया। पंडित हो तो ही ज्ञानी बने ऐसा नहीं कहा, पुरुष हो तो ही ज्ञानी बने ऐसा नहीं कहा, स्त्री हो तो ज्ञानी ना बने ऐसा नहीं कहा। कोई भेद ही नहीं है। कहीं उल्लेख हो तो कोई बता रहे, हमें तो कोई मिला नहीं अभी तक कि अमुक व्यक्ति ही ज्ञानी बन सके, अमुक ज्ञानी ना बन सके, अमुक ही महान हो सके, अमुक महान ना हो सके, कुछ नहीं। ये तो केवल तुच्छ बुद्धि है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि, आदरणीय नहीं है। हमारी तो संस्कृति है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितना भी अलग हो फिर भी हम एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन, सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भूषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भूषा चाहे अनेक है। हिंद देश के वासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भूषा चाहे अनेक है। मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायैव केवलं विभो। देखिए अभी आपने समझा कि तीन उद्देश्य है, एक तो रक्षा करना सज्जनों की, दूसरा वध करना किसका, दुष्टों का, विनाशाय दुष्कृता, और धर्म की स्थापना करना। लेकिन संतों से पूछिए, चूंकि ये भागवत परमहंसों का ग्रंथ है, तो सबसे बड़े परमहंस तो शुकाचार्य हैं। हमारे सुखदेव भगवान से बड़ा कौन परम है? अभी उन्होंने अपना हृदय की बात कही, अपनी दिल की बात। उन्होंने पूछा, गुरु जी आप थोड़ा और विस्तार करो, तो बोले मेरा मत सुनो परीक्षित। मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलं विभो। केवल सज्जनों का संरक्षण करने के लिए या केवल
दुष्टों का विनाश करने के लिए ही प्रभु का अवतार नहीं होता। ये संतों का हृदय है। एक होता है नियम पर चलना, लीक कट टू कट चलना, एक होता है दिल की बात करना, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो फर्क यहां है, वो क्या फर्क है जानिए। केवल इतना उद्देश्य नहीं, ये उद्देश्य तो है ही। जैसे आप यहां आए, हरिद्वार आए कथा सुनने के लिए, कोई पूछता है कथा तो गुजरात में भी होती है, होती है कि नहीं होती? बोले नहीं, खाली कथा उद्देश्य नहीं है, वहाँ गंगा जी का दर्शन भी तो करना है, गंगा स्नान भी तो करना है, नीलकंठ महादेव का दर्शन भी करना है, थोड़ा कष्ट तो होता है। राम झूला लक्ष्मण झूला पैदल ही दौड़ा देते वहां गाड़ी वाले सब, तो माताएं सब परेशान हो जाती है। तो कष्ट सह के भी आनंद आता है। आप देखना जब आप घर जाएंगे तो कहेंगे भाई बड़ा आनंद आया, यही आनंद है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल रक्षा करना सज्जनों की, या केवल वध करना दुष्टों का, यही कारण नहीं है। दशकंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। यदि रावण का वध करना श्री राम का लक्ष्य होता, भाई रावण को मारना है इसीलिए मेरा अवतार हो रहा है, तो प्रभु अकेले नहीं जाते वन में, चतुरंगिनी सेना चक्रवर्ती सम्राट के पास कमी नहीं थी, चतुरंगिनी सेना को सजाकर लंका पर चढ़ाई कर देते और जीत कर आ जाते। तो फिर ऋषि मुनियों के कारण गए होंगे, मुनियों का सम्मान करना है, संतों का सम्मान करना है, इसलिए आए होंगे। बोले यदि यही कारण होता इतना ही, तो ऋषियों मुनियों के सत्कारण को बहुजग विधान होते सुखराशि। मुनियों महात्माओं का सत्कार तो यज्ञ में होता है, बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर लेते, वाजपेयी यज्ञ कर लेते और तमाम ऋषियों मुनियों को बुलाकर खूब दान दे देते, खुश हो जाते। फिर वनवास क्यों? अब दिल की बात निकल रही, देखना। रावण को मारने के लिए यदि प्रभु का आगमन होता, वन गमन हुआ होता, तो चतुरंगनी सेना लेकर जाते। यदि केवल मुनियों का सम्मान करना होता उद्देश्य, तो अयोध्या में बुला करके यज्ञ करके सम्मान कर लेते। तो फिर भरत को भक्ति प्रदान करने के लिए ये भी उद्देश्य हो सकता है। बोले यही कारण उद्देश्य होता तो भरत की संतुष्टि के लिए अयोध्या लौट कर नहीं आ जाते। भरत ने कितना मनोहार किया, भैया चलो लौट कर, लेकिन लौट कर गए नहीं गए। मन राखते बंधु भरत को और सिद्ध रहे फिर जाते प्रजा के पास ही, तो प्रभु क्यों आए वन में? का शबरी बनवासी न होती न जो प्रभु राम हु न बनते बनवासी। शबरी बनवास में नहीं होती तो प्रभु बनवास में नहीं आते। भगवान तो उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। सोचो कि भगवान यदि अयोध्या में यज्ञ करते तो क्या शबरी पर कृपा होती, उनको दर्शन मिल सकता था? नहीं। कितना बड़ा भंडारे का आयोजन कर देते तो क्या शबरी पर कृपा हो पाती, उसको तो भंडारे में बैठने के लिए मना था। कितनी करुणा हमारे प्रभु में है, है? तो
मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने चरित्र से, अपनी लीला से मानव मात्र को शिक्षा देना, क्या करना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। लीला कर करके देखो, वो विदेशी महिला शूर्पनखा लक्ष्मी का रूप बनाकर आई, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं, एक बार भी सुंदरी नहीं कहा। लेकिन शबरी जो बूढ़ी हो गई है, 100 वर्ष तक तो केवल प्रतीक्षा करते बीत गया, लगभग शबरी का उम्र 125 वर्ष है इस वक्त, और उस समय में उसको कहते हैं हे सुंदरी, हे भामिनी, हे गजगामिनी। अरे इतना सुंदर, भगवान कुब्जा को सुंदरी कहते हैं। भगवान का स्वभाव तो समझें जरा, हम कैसी सुंदरता की उपासना करते हैं, प्रभु किसको सुंदर मानते हैं। इसलिए यही आनंद है, सबको शिक्षा देनी है। जरा देखना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, वो भी किशोरी जी के इशारे पे वो कपटी सोने के मृग के पीछे दौड़ गए। क्या संदेश है? क्या प्रभु को पता नहीं था? था, लक्ष्मण जी ने कह भी दिया, असंभवम हेम मृगस्य जन्म। भैया स्वर्ण का मृग असंभव हो ही नहीं सकता। राम जी ने कहा मालूम है, तो फिर क्यों जा रहे हैं? धर्म पत्नी है, कभी कुछ नहीं कहा, ये कहे तो हमें जाना चाहिए। ये कर्तव्य है हमारे गोविंद द्वारिकाधीश सत्यभामा के पिता के मृत्यु के बाद समाचार मिलने पर, जब सत्यभामा जोर जोर से रोती है, जोर जोर से रोती है, तो उस समय भगवान द्वारिकाधीश प्रवचन नहीं करते, उस समय गीता का उपदेश नहीं सुनाने लगे। सांत्वना दे सकते थे कि भाई आत्मा अजर अमर है, जैसे सब लोग आते हैं समझाने के लिए, ये उपदेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा उपदेश नहीं करते। उनको लगा कि यदि मैं ऐसा कहूं तो सत्यभामा सोचेगी कि यहां मेरा बाप मरा हुआ है और इसको प्रवचन का पड़ा है। भगवान ने सोचा यदि मैं इसे कहूं कि मैं तुम्हारे पिता को शत्रु को छोड़ूंगा नहीं, जो उनके हत्यारे हैं उनको पकड़कर उनका वध करूंगा, तो सत्यभामा सोचती कि हाँ हो सकता है भाई, ये राजा है कर सकते हैं, परंतु जो दर्द हमें हो रहा है, पिता के अभाव का जो कष्ट हमें हो रहा है, इनको तो मतलब नहीं। भगवान सत्यभामा के बगल में जाकर बैठ गए, और बैठकर जितनी आवाज में सत्यभामा रोती उससे दुगने आवाज में रोने लगे। लो, कर सकते हो ऐसा? सोचो, ये लीला करके दिखाए, उससे दुगनी आवाज में रोने लगे, तो सत्यभामा अपना सारा दुख भूल गई, उसका रोना छूट गया। वो सोचने लगे, अरे इसको क्या हो गया है, मेरा तो पिता मरे। और वो कहे, हे भगवान, हम अनाथ हो गए, मेरे ससुर जी का हाथ मेरे माथे से हट गया, अब मैं कैसे जीऊंगा। इतना जोर जोर से रोए। अब सत्यभामा चुप हो गई और कहने लगे, बस करो जी, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रहने दो, जो होना था सो हो गया, अब लौट कर थोड़ी आने वाले, क्यों रोते हो इतना, बस करो। भगवान ने सोचा जो हमको कहना था वो ये कह रही है मुझे, अब देखो।
जो हमको समझाना था वो समझ गई, अब हमको समझा रही है। तो ऐसे इसको कहते असाधारण लीला। लोग आपकी लीला तो कल्पना से परे हो, कभी कभी आप इतने सहज हो जाइए कि सामने वाला व्यक्ति दंग रह जाए, अरे इतना सहज। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, धर्म की राह पे चलना कोई खेल नहीं, धर्म की राह पे चलना कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वालों को मिल जाते प्रभु लेकिन, ढूंढने वालों को मिल जाते प्रभु लेकिन, आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मैं की मस्ती के भी बढ़ के खुदी की मस्ती है, मैं की मस्ती से भी बढ़ के खुदी की मस्ती है, मैं की मस्ती से बढ़ के खुदी की मस्ती है, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से, होश में आता है, श्री राम हरि गुण गाए जिंदगी बेकार न कर, श्री राम हरि गुण गा जिंदगी बेकार न कर, चोला मिलता है, चोला शरीर मानव का शरीर, चोला मिलता है ये नादान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान, ये बहुत विचारने पे समझ में आता है।
जो एक खास बात है कि जो हमारे पास होता है हम उसको महत्व नहीं दे पाते। हम दौड़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, और क्या है। कोई गिफ्ट देवे, चार पांच प्रकार के गिफ्ट मिल जाए, दस प्रकार के गिफ्ट कोई देते हैं ना, जन्मदिन बर्थडे पर अलग अलग से आता है तोहफा, तो हम एक को खोला देख लिया, अच्छा दूसरे में, तीसरे में, हमारी आंखें रुकती ही नहीं है। अहो अमीशां किम कार्य शोभनम्, प्रसन्न येषां स्विदुदुत् स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम् भारताज रे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाय। कितनी बड़ी बात कह दी सुखदेव स्वामी। कहते कि देखो, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए तरस जाते हैं, स्वर्ग के देवता तरसते हैं, हाँ, उस देव दुर्लभ शरीर पा करके भी हम अपनी महत्ता को छोड़ करके दुनिया को देखने में समय सारा निकाल देते हैं, अपनी तरफ नहीं देख। कल बात चल रही थी ना कि हम अपनी तरफ नहीं देख पाते, दुनिया की तरफ देखते रहते हैं, सारा जीवन दूसरों को देखते देखते समय निकाल दिया। जितनी ऊर्जा हम सुबह से शाम तक दूसरों की चर्चा करने में, दूसरों पर शोध और मंथन करने में, इन्वेस्टिगेशन में निकाल देते हैं, उसमें से 10% भी यदि अपने में लगाए, अपने बारे में सोचने में चिंतन में लगाए, जीवन धन्य थई जाए। हम तो ये समझते हैं जीवन बदल जाएगा। हर आदमी इंसान नहीं, वह भगवान बन सकता है। फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मानव का शरीर मिले फिर भी भगवान में प्रेम हो। अच्छा कई बार है भगवान में प्रेम भी है, चलो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमको ज्ञान चाहिए, परंतु कोई बताने वाला सच्चा मिले तो ये भी तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये भी दुर्लभ पदार्थ है। षष्ठ स्कंध में पूछा है यहां परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, गुरुदेव कोई सरल उपाय बता दीजिए भगवत प्राप्ति का, और किसी ने किया हो तो वो उदाहरण देकर हमें समझाइए, क्योंकि मनुष्य को उदाहरण दिए बगैर समझ में नहीं आती कोई बात। आजकल तो खास बात हो गई है, सीधे सीधे बात करने पर नींद आती है, उदाहरण पे उदाहरण दो तो ठीक रहता है। बोले उदाहरण चाहिए, बोले हाँ, क्योंकि मनुष्य से पाप होता रहता है, उन पापों से छूटने का सहज कोई उपाय और भगवत प्राप्ति का भी कोई सहज उपाय बता दीजिए, वो क्या है। बोले है, यह है भक्ति, और केवल भक्ति से भगवान दर्शन देते और कृपा प्राप्त होती है और अपना कल्याण होता है।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं घुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। बोले जैसे अंधकार होता है ना, अंधेरा, उसी को निहारिका कहते हैं, निहार। सूर्य का प्रकाश यदि थोड़ा भी उसमें आ जाए तो कितना भी पुराना से पुराना अंधकार हो उसको नष्ट होते देर नहीं लगती। नष्ट होता है कि नहीं? पुराना से पुराना अंधकार भी सूर्य की एक किरण पड़ते ही जैसे समाप्त होता है, ठीक ऐसे ही संपूर्ण पाप को नाश करने में सर्वसमर्थ है भगवान की एकमात्र भक्ति। भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, सारे के सारे पाप खत्म। बोले कोई उदाहरण गुरुजी? बोले उदाहरण है, कान्यकुब्ज गोत्रीय एक ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण नाम है अजामिल, बड़ा सुंदर उदाहरण है, सभी जानते हैं। अजामिल का मतलब क्या होता है? अजामिल का होता है मतलब अजया मिलह, अजामिलह, अजा मतलब माया, जो माया से जाकर मिल गया उसका नाम है अजामिल। ये हम सब का मन माया में मिला हुआ है, इसलिए हम सब का मन ही क्या है, वो अजामिल है। हम सब का मन अजामिल है, तो जो माया में मिल जाता उसकी दशा क्या होती है, परिणाम क्या हुआ? अच्छा खासा परिवार, ब्राह्मण का शरीर, किंतु एक दिन उसका मन सचमुच में माया में मिल गया। कहीं मार्ग से रास्ते से जा रहा था और किसी वैश्या को पराये पुरुष के साथ में देखा और उसके सौंदर्य उसके श्रृंगार में इसका मन जाकर फंस गया, और फंसा ऐसा कि घर आने के बाद भी उसके दिमाग में वो सब साथ में ही चलता आया। सोए तो सपन में वही दिखे, जागे तो आंख बंद करके वही दिखे, वह दृश्य इसके दिमाग से निकला नहीं। अगले दिन फिर वहां पहुंच गया और ऐसे कई रोज तक उसका मन उस वैश्या में रम गया। आखिरकार उस वैश्या को मनाने के लिए पहुंच गया, विनती किया, वैश्या मान तो गई लेकिन बोली पहले तुम घर खाली तो करो, घर में मां बाप पत्नी सबको घर से निकाल दिया उसे, और निकाल करके उस वैश्या को घर में ले आए। हमारे मन भी जब कहीं ऐसी बुरी संगत में लग जाए तो हमारे अंदर की सारी अच्छाइयों को बाहर निकाल देता है, सारी अच्छी अच्छी नीतियों का, अच्छे विचारों को खत्म करके केवल कुसंगत को भीतर उतार लेता है। ऐसा ही हुआ, दासी के साथ रहने लगा, बहुत काल बीत गया, उसके सारे यजमान तो खत्म हो गए, ब्राह्मण थे यजमानी थी, अब कौन यजमान रहेगा उनका। फिर चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, ऐसे करके गुजारता समय। बहुत काल बीतने पर न जाने कौन सा पुण्य उसका उदित हुआ, कुछ संतों की टोली आई उसके घर पर, गांव में आई, गांव, तो लोगों ने उनसे कहा बाबा यहाँ पर सबसे बड़े भगत है, उसका नाम है अजामिल, आप उन्हीं के द्वार पर चले जाओ, खूब दान करते हैं,
तो बाबा लोग तो सीधे होते, साधु मतलब जो सीधा हो, चले गए उसके द्वार पर। वो नहीं तो उसकी पत्नी वो दासी निकली घर से, देखा दरवाजे पर साधु संत आए, आंखों में अश्रु आ गया, मेरा सौभाग्य है। साधु द्वार पर आए, बोले बाबा मैं आपको सीधा दे देता हूँ, सीधा कहते हैं कच्चे अनाज को, ठीक है दे दो, हम लोग बनाएंगे खाएंगे। तो उसने सारा सामान दे दिया, बाबा लोग सामने वृक्ष के नीचे अपना शुरू किया बनाना, नाम संकीर्तन किया और खूब कीर्तन करके बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाकर ज्यों ही एक ग्रास मुख में रखना चाहते, कुछ ने रख लिया होगा, तभी वो लड़के, वो लोग जिन्होंने इनको बताया था कि जाओ बाबा सबसे बड़े भक्त वही हैं, वो लोग देखने आए कि देखें कि क्या हाल है। देखा कि बाबा लोग बैठ गए भोग लगाने का, बाबा आपको कुछ पता है? नहीं। बोले जिसका अन्न आप खा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा पापी है दुनिया का, वैश्यागामी है, चरित्रहीन है, चोर है, लुटेरा है, न जाने कितनों को मार मार करके धन इकट्ठा करता है, ऐसे पापी का अन्न आप खा रहे? साधु ने मुख में ग्रास लिया था, आंखों में आंसू आ गए, भगवान को याद किया, ये तो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, मैं कैसे मानूं कि यह पापी का अन्न है और इसमें पाप है, मैं तो भगवान का प्रसाद खा रहा हूं। यह सोच करके संतों ने भोग लगा दिया और कहा प्रभु मेरा तो काम ये था आपको अर्पित करके भोग लगाना, अब आपका काम है उसको भक्त बनाना, चूंकि हमने सुना था कि वो बड़ा भक्त है, यदि वो भक्त नहीं भी है तो उसको भक्त बनाएंगे आप। साधु जब किसी का अन्न खाता है, न जाने कितने सारे कल्याण भगवान के साथ यहां संदेश दे देता है, और गृहस्थ अपने मन की सारी बातें संतों के सामने रख देते हैं, समस्याएं समस्याएं। साधु आपकी समस्या को सुन करके कुछ ना कहे और गंभीर हो जाए, समझ लेना संदेश पहुंच गया आपका वहां, उनको कहना नहीं पड़ता, अंतर मन में ही तो प्रभु निवास करते हैं। वो सब उनकी हाँ में हाँ है, समझ लेना और विश्वास करना, संदेह नहीं करना। एक फकीर था, उसका नाम था मूसा सलामत, तो एक माई जो मूसा सलामत को आए दिन खिलाती पिलाती रहती थी, एक दिन माई ने पूछ लिया कि सुनो तुम तो रोज खुदा से मिलते हो? हाँ माई, मैं जब जब अरदास लगाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो खुदा मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे हमारा संबंध होता है, बातचीत भी होती है। तो एक काम करना मूसा कि आज जब तुम लगाना और उनसे बातचीत हो तो उनसे मेरे बारे में पूछना कि मेरी कोई संतान होगी कि नहीं होगी। देखो मैं इतने उम्र की हो गई लेकिन अभी तक घर में कोई संतान नहीं है। मूसा ने कहा हाँ हाँ मैं जरूर अरदास लगाऊंगा और तुम्हारी बातें भी कहूंगा। मूसा गया और ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर जो ही संबंध खुदा से हुआ तो बातचीत चलने के बाद आज मूसा ने भगवान से, खुदा से उस माई की बात कह दी कि माई ने पूछा है उसको कोई संतान है कि नहीं। तो खुदा ने कह दिया कि माई को अगले 3 जन्म तक कोई संतान नहीं है, कह देना कि उसके कर्म ही ऐसे, उन्होंने दूसरों के बच्चों को मरवाए थे इसलिए अगले 3 जन्म तक उसको खुद का कोई बच्चा नहीं होने वाला। तो मूसा धन्यवाद ज्ञापन करके लौट कर आए और उस माई से कह दिया कि माई अब तो चिंता छोड़ दे, इस टेंशन में मत रहो,
तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है, और इस जन्म की नहीं, अगले दो जन्म और, यानी तीन जन्म तक कोई संतान नहीं। माई बोले ठीक है, चले गए। कुछ दिन के बाद एक और फकीर, एक महात्मा अवधूत, और उनको लगी भूख। उस अवधूत ने जाते जाते कहना शुरू किया, कोई है जो मुझे रोटी खिला दे, और उसके बदले में जितनी रोटी उतने उतना बेटा, जितनी रोटी उतना बेटा, जितनी रोटी उतना बेटा। ऐसा कहते हुए बाबा गुजर रहे थे, जितनी रोटी उतना बेटा। तो माई को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, जितनी रोटी उतना बेटा। उसने सोचा कि हो सकता है इनको भूख लगी है, और भूखा आदमी कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, लेकिन चलो भूखे को भोजन देना चाहिए, इस फर्ज के नाते इनको भोजन देते हैं। और माई ने उस बाबा को बुलाया और घर में बिठा करके बड़े प्रेम से गरम गरम फुलका सेक करके भोजन करा दिया। और भोजन करने के बाद बाबा जब डकार लिए, डकार समझते हो कि नहीं, हाँ,